तो क्राइम थ्रिलर्स तो बहुत बनती है, मोस्टली डिसेंट बनती है, और कुछ थ्रिल ज्यादा ऐड करने के चक्कर में खराब भी बन जाती है। ऐसे में लगता है कि फिल्म मेकर्स को शायद कंटेंट में लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आज मैं जिस सीरीज की बात करूंगी वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की कर्मयुद्ध, जो अभी रिलीज हुई है अपने 8 एपिसोड के साथ। जब ट्रेलर रिलीज हुआ था ना इसका, तो सबको लगा था कि कुछ तो जबरदस्त बात होगी इस शो में, लेकिन क्या वो बात क्या बात है वाली बात है या नहीं, इसके बारे में ही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो गाइस, आई एम सोनाक्षी कारा और आप देख रहे हैं बिंजिंग लाइव। कर्मयुद्ध रिलीज हो गया है, जिसकी कहानी इर्द गिर्द घूमती है कोलकाता बेस्ड हाई प्रोफाइल रॉय फैमिली के अराउंड। तो सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पति पत्नी बैठे हैं कार में, सामने पड़ी है एक लाश, लेकिन ये डेड बॉडी किसकी है, ऑफ कोर्स ये तो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता चलता, पर इस डेड बॉडी के साथ क्या करना है क्या नहीं, ये इस कपल को समझ नहीं आता। आंखों में आंसू है, दिल में डर बैठा हुआ है। फिर रॉयस की फैक्ट्री में आग लग जाती है। किसने लगवाई ये आग, किसने नहीं लगवाई ये आग, किसने किया किसने नहीं किया, ये सब पता लगाने की कोशिश चलती रहती है। पूरा गेम है यहाँ पर पावर का, कि कौन सबसे ऊंची पोजीशन पर बैठेगा रॉय एम्पायर की। मेन स्टोरी के 3 सेंट्रल पॉइंट्स है, परिवार, पॉलिटिक्स और मर्डर। लेकिन इस कहानी में इतने सारे सब प्लॉट्स हैं और उनके इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि आप लोग कंफ्यूज ही हो जाओगे। कभी एक दूसरे से लड़ते हैं पावर के चक्कर में, कभी ऑल ऑफ अ सडन किसी में रोमांस हो जाता है, तो कभी नक्सलाइट्स आ जाते हैं। तो बेसिकली बहुत कुछ हो रहा है एक साथ कि आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। और इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आपको ऐसे भी लगेंगे जहां पर आपको लगेगा कि यार ये क्यों ही थे, और ये आपको मोस्टली लगेगा जब आप क्लाइमेक्स पर पहुंचोगे। सो कर्मयुद्ध का फर्स्ट और लास्ट एपिसोड इस तरह का है, जहां पर एक साथ बहुत कुछ दिखा दिया गया है, और वही बीच की जो स्टोरी है वो काफी ड्रैग लगने लगती है। तो इस शो के 8 एपिसोड्स है, 30-40 मिनट्स ईच हर एपिसोड है। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं आपको अभी तक बता ही चुकी हूँ इस शो की, बाकी है कैरेक्टर्स का बिल्डअप जो काफी अच्छी तरह से नहीं किया गया, इसलिए आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील भी नहीं करते हो कैरेक्टर्स के साथ। बाकी एक्टर्स काफी अच्छे लिए गए हैं, नो डाउट। सतीश कौशिक का कैरेक्टर इतना पावरफुल और काम दिखाया है, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है जो उनकी शक्ल से नहीं दिखता। वहीं आशुतोष राणा बहुत ही बढ़िया एक्टर, लेकिन स्क्रीन स्पेस डेफिनेटली काफी कम था। चंदन रॉय सान्याल अगेन लाजवाब एक्टर, लेकिन कैरेक्टराइजेशन मुझे उनकी कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन ही डिड हिज बेस्ट। पाउली दाम एज इंद्रानी रॉय बहुत ही बढ़िया काम किया है, आंखों आंखों में ही बहुत कुछ कह जाती है। वहीं है राजेश खट्टर भी, जो बहुत ही बढ़िया एक्टर है, और मोस्टली सीन्स में आपको पैरालाइज दिखेंगे, लेकिन कुछ सीन्स में उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर उनके अंदर भी कुछ पावर दिखती है। बाकी रवि अधिकारी की डायरेक्शन ठीक है, प्रोडक्शन वैल्यू शो की काफी अच्छी है, जो आपको काफी सीन्स में दिखता है। काफी लार्जर देन लाइफ सेट दिखाया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली रॉय एम्पायर जो दिखाना था। सिनेमाटोग्राफी की बात करूं तो बहुत ही डिटेलिंग दी गई है कई शॉट्स में, कई शॉट्स आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाले हैं। डायलॉग्स पर डेफिनेटली अच्छा काम हुआ है, इस शो के डायलॉग्स कुछ तो बहुत ही जबरदस्त है। ओवरऑल दिस कुड हैव बीन अ रियली गुड सीरीज अगर इतने सारे कैरेक्टर्स और इतने सारे सब प्लॉट्स नहीं होते हमें मेन पॉइंट से डेविएट करने के लिए। मस्ट वॉच नहीं बोल सकती यार, देख सकते हो अगर मन है देखने का, तो नहीं भी देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि मास्टरपीस मिस कर दिया आपने। एनीवे, इसी के साथ मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कर्मयुद्ध को देती हूँ 3 स्टार्स। आप देखना तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये शो कैसा लगा, और क्या आप भी मेरी बातों से सहमत हो या नहीं। ऐसे ही और रिव्यूज और सेलेब इंटरव्यूज के लिए आप देखते रहिए यूवी ENT लाइव।